हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स मैं हूं राधा और आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज व्हिच यूजुअली कम इन योर स्पॉटिंग ऑफ एरर्स टॉपिक स्पेसिफिकली स्पेसिफिकलीफर गोइंग फॉर द डिफरेंट डिफेंस कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक एनडीए सी डी एस एफ कैटेरिटोरियल आर्मी एग्जाम्स एंड सो ऑन तो जिन क्वेश्चंस पे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बहुत बार ये आया है इन एग्जाम्स में और आगे भी आने का चांस जो है इनका काफी हाई है In this session, we are not only going to look into these questions, we are going to solve them together and also I will tell you the explanation, the rules behind the important questions and why you have got that answer. सो लेट अस स्टार्ट विदाउट मच फॉर दर बाई फर्स्ट रीडिंग द डायरेक्शन ताकि आपको पता चल जाए दैट हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन फ्रॉम स्पॉटिंग एरर टॉपिक बेसिकली यहाँ पे आपको एक सेंटेंस मिलता है जिसको तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है ए बी और सी आपको बताना पड़ता है कौन से पार्ट में एरर है हाईवर यू नीड नॉट से क्या एरर है यू जस्ट हैव टू आइडेंटिफाई दैट ओके दिस पार्ट हैज दी एरर सो जिस भी पार्ट में एरर है मान लीजिए बी पार्ट में आपको लग रहा है एरर है सेंटेंस का तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अगर आपको लगता है कि सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है द सेंटेंस इज एप्सल्यूटली करेक्ट देन योर आंसर इन दैट केस विल बी ऑप्शन डी जिसका मतलब होगा नो एरर चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्विंग क्वेश्चन वन वन एंड यू विल नो हाउ टू सॉल्व देम देन फर्स्ट क्वेश्चन डोंट थिंक यू कैन से अनप्लेजेंट थिंग्स अबाउट सम वन बिहाइंड हिज बैक एंड नॉट फाउंड आउट ये सेंटेंस को आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पूरा पढ़ना है डो नॉट ट्राई टू फाइंड एरर बाय रीडिंग देम इन पार्ट्स रीड द सेंटेंस इन होल अगर जरूरत हो तो दो बार पढ़ना तीन बार पढ़ना ताकि आपको समझ में आ जाए वॉट द सेंटेंस इज एक्चुअली ट्राइंग टू मीन सेकेंड थिंग ट्रस्ट योर यर्स योर यर्स विल टेल यू आफ्टर यू रिपीटेड देंटेंस अ कपल ऑफ टाइम्स वेर और इन विच पार्ट द एर कैन बी फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस सेंटेंस को बार बार रिपीट करते हो आपको पार्ट सी में आके लगेगा कि यहाँ पे कुछ एरर है, है या हो सकता है अगर आपको ऐसा लगे देन विदाउट एनी थॉट जस्ट राइट डाउन दैट आंसर बिकॉज नाइनटी नाइन परसेंट केस में योर यर्स आर एब्सोल्यूटली राइट दे गिव यू द राइट आंसर तो इस पार्ट में भी इस क्वेश्चन में भी एरर पार्ट सी में है सो so आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ना वेयर इज द प्रॉब्लम सो एंड के बाद यहां पे हमने कोई भी वर्ब यूज नहीं किया है बट वी हैव टू यूज द वर्ब लेक्यू की जो सब्जेक्ट है यू उसके बाद हमें वर्ब यूज करना होता है सो इफ यू रीड द सेंटेंस डोट थिंक यू कैन से प्लेजेंट अन बिहाइंड आउट ऐसा होगा यहाँ पे वर्ब जो है वो मिसिंग था यहाँ पे हो जाएगा आर नॉट फाउंड आउट यू आर नॉट फाउंड आउट सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर आर मिसिंग था यहाँ पे

the americans speak differently from us so you have to make this adjective a different into an adverb by adding ly to it differently okay so you have adverb differently hoga, uh, which is not used here it is used as an adjective so it's wrong so option b is the right answer next question

राइट वी डू नॉट यूज द प्लूरल फॉर्म और वी डू नॉट यूज एस विध इट राइट सो द ब्लाइंड करेक्ट वर्ड हियर अगर आप ब्लाइंड्स यूज करते हो इसका मतलब दूसरा हो जाता है फॉर विंडो वी यूज कर्टन सो दैट इज ब्लाइंड्स, ओके बट हियर इट इज अंधो सो द ब्लाइंड ओके सो सी विल बी द राइट आंसर जब भी आपको एक एब्जेक्टिव uh, मिलता है एंड यू यूज द एब्जेक्टिव टू डिनोट अ पर्टिकुलर क्लास लाइक रिच Poor. तो हम कभी भी इनके साथ एस यास एड नहीं करते तो यू वॉन्ट सी द रिच इज दुअर्स यू हैव टू जस्ट एड द बिफोर इट एंड यूज इट लाइक दिस द पुअर विच विल बी इन द रिच क्लास दुअअर क्लास ओके सिमिलरली हि ऑल्सो ब्लाइंड इज एन ऑब्जेक्टिव एंड वी आर ट्राइंग टू डिनोट अ क्लास यू नो ऑफ ब्लाइंड पीपल हियर सो सींग द ब्लाइंड ब्लाइंड नेक्स्ट क्वेश्चन टू लेसन हिज मेंटल बॉडीज अगेन इफ यू रीड द सेंटेंस अगेन एंड अगेन यू यर्स विल टेल यू पार्ट ए में एरर है एंड इट इज राइट ऑप्शन ए इज द राइट आंसर द ए पार्ट में जरूर एरर है ही टुक टू ड्रिंक दिस इज रॉन्ग ही टुक टू ड्रिंक ओके सो बेसिकली वेन यू टेक टू समथिंग दैट मींस यू गेट अडिक्टेड टू दैट थिंग ओके सो टेक टू इज अ फ्रेजल वर्ब हियर विच मींस गेट अडिक्टेड टू सो so, इसके बाद जो है हमेशा हम नाउन यूज करते हैं या फिर अगर आपको कोई वर्ब यूज करना है वो आईएनजी फॉर्म में यूज करना होगा सो so, यहाँ पे जो है ड्रिंकिंग टू ड्रिंक इज रॉन्ग यहाँ पे हमें वर्ब ड्रिंक को आईएनजी फॉर्म में यूज करना है टूक टू ड्रिंकिंग ओके नेक्स्ट क्वेश्चन माय फादर कुड लीड अ फुल एंड हैप्पी लाइफ विदाउट स्पेंडिंग लॉट ऑफ मनी दिस इज इजी सो इन ऑफ सेइंग लॉट ऑफ मनी वी कैन ईदर से अ लॉट ऑफ मनी और यू कैन से लॉट्स ऑफ मनी बट यू कैन नॉट से लॉट ऑफ मनी ओके तो इधर अ या एस एड आपको करना होगा इसके साथ तो सी पार्ट में एरर था इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी नेक्स्ट ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्टेड प्रोग्राम दिस मॉर्निंग एट फर्स्ट गो वेन यू रीड द सेंटेंस यू विल फाइंड नो एर सो यूल्प्टेड टू आंसर इट एज डी बट आई टेल यू डी इज नॉट दंसर देर इज डेफिनेटलीर एंड दरर इज विथ पार्ट ए कहां पर एर है यूजेज ऑफ द वर्ड ब्रॉडकास्टेड इज रोंग ब्रॉडकास्ट एक ऐसा वर्ड है एक ऐसा वर्ब है जो इरेग्यूलर वर्ब के कैटेगरी में आता है इसका मतलब है कि अगर आप इस वर्ड ब्रॉडकास्ट को पास्ट पास्ट फॉर्म या पार्टिसिपल फॉर्म यानी वी टू या वी थ्री में कन्वर्ट करना चाहते हो यू आर नॉट गोइंग टू एड ई डी टू इट यू आर गोइंग टू कीप इट अनचेंज यानी एक ऐसा वर्ड है जो कि वी वन यानी मेन वर्ब वी टू यानी पास्ट फॉर्म और वी थ्री यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में सेम फॉर्म में रहता है ब्रॉडकास्ट So, here instead of using broadcasted, you are just going to say all India radio broadcast a very good program this morning. So, its answer will option A. Next one, there were so much cattle on the road that it was difficult to drive safely. This is an easy error here. Uh, cattle ko can count cattle, it's a countable noun. ओके सो यू कैन नॉट यूज मच विथ काउंटेबल नाउन मच हमेशा हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं सो यूजेज ऑफ मच इज रॉन्ग इट शुड बी सो मेनी कैटल वी यूज मेनी विथ काउंटेबल नाउन सो यहां पे आंसर आपका ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन What could have provoked him to behave in such a rude manner at dinner last night? Now again, at first wo aapko lagega sentence absolutely correct hai koi error nahi hai to D answer hoga Again D is not our answer here. Answer is in part A. Part A में error जरूर है. कहाँ पे error है? अगर आप पूरा sentence पढ़ो यहाँ पे कुछ ऐसे घटना के बाद बारे में बात हो रही है जो कि एक definite time in the past में हुआ है, which is last night.

दे वर रिच जमीनदार्स इन दर्टीज बट नाउ दे है इविल डेज एंड है प्रॉपर्टी थोड़ा लंबा सेंटेंस है पर अगर आप इनको दो तीन बार पढ़ो के आपको समझ आ जाएगा एरर कहाँ पे है एरर पार्ट सी में है क्योंकि अगर आप देखो कि पूरा सेंटेंस पास टेंस में है वॉर पास टेंस हैड फॉल इन पास परफेक्ट लेकिन सी पार्ट में हैव लॉस्ट प्रेजेंट परफेक्ट यूज हो रहा है जो कि आप गलत है इट शुड बी हैड लॉस्ड मच ऑफ देर प्रॉपर्टी सो सी इज दर नेक्स्ट वन द फॉरन एम्बेजर वॉज नोटेड फॉर बोथ हिज चार्मिंग मैनर्स एज वेल एज हिज वाइड नॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस तो यहाँ पे दोनों चीजों के बारे में बात हो रही है चार्मिंग मैनर्स की भी उनकी और उनके लैंग्वेजेस के नॉलेज के बारे में और आपको पता है बोथ के साथ हम एज वेल एज कभी यूज नहीं करते वी यूज एंड विथ इट तो यहाँ पे एज वेल एज का यूज गलत है सो so हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी क्योंकि पार्ट सी में एज वेल एज का यूज हुआ है नेक्स्ट द न्यूज ऑफ द डिस्टर्बेंस वॉज टेलीकास्टेड द सेम इवनिंग अब आपको पता चल ही गया है कहां पे एरर है जस्ट लाइक ब्रॉडकास्ट टेलीकास्ट इज अनादर वर्ड विच इज इरेग्यूलर वर्ड जिसका फॉर्म चेंज नहीं होता इवन इफ यू वॉन्ट टू चेंज इट टू वी टू और वी थ्री फॉर्म सो ऑफ वी हैव टू से वॉज टेलीकास्ट द सेम इवनिंग बी पार्ट में एरर था हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन एवरी वन विजिटिंग दी हाउस आस्क द यंग गर्ल हाउ कुड शी किल द वुल्फ सिंगल हैंडेड एंड विदाउट अ वेपन नाउ मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स विल आंसर इट एज डी ओके बिकॉज देर इज नो एरर बिकॉज उनको लगता है सेंटेंस में एरर नहीं है बट आई टेल यू ये एक बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है बहुत बार ये डिफरेंट एग्जाम्स में पूछा गया है और आगे भी आएगा एंड दिस इज वन सच रूल या सेंटेंस जिसमें लोग जो है इनको स्किप कर जाता है आ, एरर को नो वेर इज द एरर हाउ कुड शी किल द वुल्फ हम ये फॉर्मेट क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं हाउ कुड शी डू दैट लेकिन जब आप सेंटेंस में यूज करते हो वी यूज एस ओ फॉरमैट सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फॉर्मैट उस केस में हम ऐसे यूज नहीं करेंगे सेंटेंस को वी से हाउ शी कुड किल द वुल्फ। यहां पे अगर आप पढ़ोगे ये क्वेश्चन नहीं है क्वेश्चन को सेंटेंस में बदलाव किया गया है सो स्टॉफ से हाउ शी द वुल्फ ओके सो पार्ट बी में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेक्स्ट While walking slowly in the park वाइल्ड वॉक स्लोली इन दर्क ऑनर आफ्टरनून अ मैट डॉग सडनलीम फ्रॉम बिहाइंड अगर आप ये को पढ़ोगे at first you'll find no error. लेकिन अगर आप इसको ट्रांसलेट करोगे इन वॉट एवर लैंग्वेज यूर कम इन और आपको मीनिंग ढूंढना होगा तो ऐसा कुछ लगेगा कि वो जो mad dog थे वो पार्क में slowly walk कर रहा था पर actually वो नहीं कर रहा था कर रहा था वो आदमी जिसको उसने अटैक किया तो यहाँ पे द करेक्ट सब्जेक्ट द ट्रू सब्जेक्ट इज मिसिंग और जब भी ऐसा ट्रू सब्जेक्ट मिसिंग होता है इस पर्टिकुलर तो फ्रेज इस के बारे बाद में तुरंत जो सब्जेक्ट आता है उसको हम ट्रू सब्जेक्ट के हिसाब से लेते हैं सो वी हैव टू इंट्रोड्यूस सब्जेक्ट हियर टू यू नो मीन अदरवाइज तो यहाँ पे कैसे हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं he ही walking वॉकिंग स्लोली इन द पार्क ऑन अ क्वाइट समर आफ्टरनून अ dog डॉग सडनली him हिम फ्रॉम बिहाइंड हमें यहाँ पे ट्रू सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा नहीं तो इट वुड मीन अ mad डॉग as द ट्रू सब्जेक्ट here, which विल बी रॉन्ग तो पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्योंकि पार्ट ए में एरर था नेक्स्ट क्वेश्चन सिंस अटैचमेंट ऑफ एयर कंडीशन स्लीपिंग कार्स टू ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चनिंग बिकेम वेरी प्लेजेंट स्पेशली ड्यूरिंग द समर सीजन ऑलरेडी ये रिसेंट एक चीज हुआ है एयर कंडीशन स्लीपिंग कार्स को इंपॉर्टेंट ट्रेन में अटैच किया गया है तो ये घटना के बाद अब ट्रैवलिंग ज्यादा प्लेजेंट हो गया है सो इंस्टेड स्टेड ऑफ सींग ट्रेवलिंग बिकेम वेरी प्लेजेंट यू आर नॉट गोइंग टू यूज इट इन पास टेंस यू हैव टू यूज इट इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया है ऑलरेडी हो चुका है सो वी हैव टू यूज इट एस ट्रेवलिंग हैज बिकम वेरी प्लेजेंट सो बी पार्ट मेरअ था आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्स्ट इट इज दूसर एक्सपीरियंस एंडियर अगेन ये, ये पढ़ने के बाद आपको लगेगा एरर नहीं है, बिल्कुल सही है यहाँ पे सेंटेंस बट सेंटेंस सही नहीं है नो no error, कभी भी आंसर नहीं होगा ऐसे सेंटेंस के लिए ये इंपॉर्टेंट रूल है ध्यान से देखिएगा आपको लग रहा है इट इज द न्यूज पेपर दैट एक्सपोजेज ना मैं यहाँ पे बता देती हूँ कहाँ पे एरर है एरर इज विद यूज ऑफ द वर्ब एक्सपोजेस सिंगुलर वर्ब एक्सपोज़ेस यूज हुआ है जो कि गलत है अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे तो सब्जेक्ट इट है ना नो इट सब्जेक्ट। ट्रू सब्जेक्ट इज नॉट इट इट इज द्यूज न्यूज़पेपर्स, विच इज प्लूरल तो यहाँ पे हमें वर्ब भी प्लूरल यूज करना पड़ेगा सो इज यूजिंग दैट एक्सपोजेस वी हैव टू से दैट एक्सपोज अस सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेक्स्ट

टू हैव रिमेंबर्ड डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच में है आपको पता है जब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दो डिफरेंट वर्ड को जुड़ते हैं हमेशा सेम पार्ट of speech में रहना होता है तो टू लर्न इज इनिटिव लेकिन एंड के बाद हमें टू हैव रिमेंबर्ड तो इसको भी हमें सेम पार्ट ऑफ स्पीच में लाना है तो हमें यहाँ पे इन्फिनेटिव यूज करना पड़ेगा बाई यूजिंग टू रिमेंबर वी विल नॉट यूज टू हैव रिमेंबर्ड वी यू जस्ट से टू लर्न मोर क्विकली एंड टू रिमेंबर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम

क्स्ट अ लीडिंग टेक्सटाइल मैन्यूफेक्चर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इन द इंडस्ट्री इज लुकिंग फॉर अटिंग मैनेजर टू लुकअप दर्क ऑफ तो यहाँ पे अगर आप अगेन सेंटेंस को बार बार पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि एरर है सी पार्ट में एंड यू आर एब्सोल्युटली राइट सी हमारा आंसर होगा व्हेन यू लुक अप समथिंग यू ट्राई टू फाइंड अबाउट इट लेकिन यहाँ पे अगर आप सेंटेंस को ट्रांसलेट करोगे उसका मीनिंग ढूंढने की कोशिश करोगे हियर द मार्केटिंग मैनेजर

ोड राइट सो यहां पर गलत वर्ड यूज हुआ है इट शुड बी ओवर फ्लोड सो बी विल बी योर आंसर क्योंकि बी पार्ट में ये था नेक्स्ट द गवर्नमेंट वॉन्ट द शॉपकीपर्स दैट इफ दर्सिस्ट इन चेंजिंग अनफेयर प्राइसेस दर लाइसेंसेज विल बी कैंसल वेरी ट्रिकी क्वेश्चन वैसे मैंने पहले भी कहा था ऐसे क्वेश्चन ऐसे सेंटेंस आपको देता है ताकि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ आपको लगे डी इज दी यहाँ पे बिल्कुल आंसर नहीं है एंड दैट इज अगर आप पूरा सेंटेंस को पढ़ोगे इट इज इन टेंस 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 वुड बी कैंसल्ड पर पे परसिस्ट वर्ब जो है प्रेजेंट में यूज हुआ है विच इज रॉन्ग सो वी शुड ऑल्सो मेक इट पास्ट हाउ इफ दे देसिस्ट इड करना पड़ेगा हमें एंड मेक इट

टाइम कट गया है अगर हम टाइम की बात करते हैं और वो कट गया है ऐसा बोलते हैं वी से इट हैज पास्ट इस केस में हैड होगा क्योंकि सेंटेंस पास्ट में है राइट right? तो हैड बेलडी पास्ट होगा अगर आप यूज करते हैं ओनली वर्स बेलडी पास्ट इसका मतलब है किसी ने कुछ परीक्षा कोई टेस्ट पास किया हो लेकिन ये कट गया है समय तो समय के लिए हम Has या हैव पास्ट यूज करते हैं अगर कोई टेस्ट के बारे में बात कर रहे हो जो एग्जाम आपने क्रैक किया है पास किया है उसके लिए आप वॉज या इज पास्ट यूज कर सकतेनिंग पीस एंड सोलविंग ऑल आउटस्टैंडिंग प्रॉब्लम विथ हर नेबर्स थ्रू डायलॉग तो यहां पर एरर हो जाएगा पार्ट ए ऑप्शन ए वी विल नॉट यूज कीप हि क्योंकि मेंटेन करने का मतलब ही है कि वो बना के आप चले टू गो ऑन विद दैट सो अगर आप कीस्ट यूज इट एज टू मेंउस्टैंडिंग प्रॉब्लम ओके तो ए पार्ट में द वर्ड कीप वॉज यूज सुपर फ्लूसली सो वी हैव टू रिमूव दैट नेक्स्ट बींग द सेकेंड सैटरडे ऑफ द मंथ ही गॉट अफ लेट एंड स्पेंड द होल डे एट होम डूंग शेयर ऑफ द हाउस होल्ड अगेन आप यहाँ पे देख सकते हो ट्रू सब्जेक्ट इज कमिंग मैंने कहा था अगर आप वर्क प्लस आई एन जी से स्टार्ट करते हो कोई भी यू नो सेंटेंस तो उसके बाद जो सब्जेक्ट आएगा उसको हम ट्रू सब्जेक्ट के तौर से लेंगे जैसे अगर आप देखते बींग द सेकेंड सैटरडे ऑफ द मंथ इसके बाद ट्रू सब्जेक्ट आ रहा है ही तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो सेकेंड सैटरडे था मंथ का पर ऐसा तो नहीं है ना कि वो या कोई भी इंसान किसी मंथ का कोई दिन बन सकता है तो हियर वी हैव टू यूज अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट टू मेक इट और क्या यूज कर सकते हैं द टेम्पोरि सब्जेक्ट इट इट बींग द सेकेंड सैटरडे ऑफ द मंथ ही गॉट अप लेट क्योंकि सेकेंड सैटरडे था मंथ का इसीलिए उसने देर से उठा ठीक है तो यहां पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नेक्स्ट

किस तरह के स्पॉटिंग uh, एरर्स के क्वेश्चंस आपके अपकमिंग डिफेंस एग्जाम्स में आ सकता है कौन से रूल्स कैसे पढ़ना है और कैसे अप्लाई करना है ताकि आप स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चंस के आंसर सही से कर पाओ ऐसे अगर आपको अपकमिंग डिफेंस कॉम्पिटेटिव एग्जाम जैसे एनडीए सी डी एफ कैट के लिए अपनी इंग्लिश की प्रेपरेशन करनी है तो हमारे लाइव क्लासेस को जल्दी से जुड़ जाइए क्योंकि लाइव क्लासेस हमारी हर रोज होती रहती है और हमने बहुत ही रिसेंटली Uh, जो है लाइव क्लासेस के बैचेस स्टार्ट किए हैं फॉर योर अपकमिंग एनडीए सी डी एस एंड ट्वेंटी यू नो एग्जामिनेशन तो अपनी प्रेपरेशन को और स्ट्रॉग और इफेक्टिव बनाने के लिए हमारे साथ आज ही लाइव क्लासेस में ज्वाइन कर लीजिए इसके साथ साथ अगर आप बाकी कोई भी रिटर्न डिफेंस एग्जाम के लिए भी, भी प्रिपेयर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कोर्सेस हमारे ऐप में अवेलेबल है सो चेकआउट दीज कोर्सेज बट फर्स्ट यू हैव टू डाउनलोड आर ऐप एंड वायल यू आर गेटिंग एनरोल टू एनी कोर्स यूज द कोड वॉरियर टेन ताकि आपको टेन का डिस्काउंट इन कोर्सेज में मिल सके so that was it from my side i hope that the session was quite useful and helpful for you that you have got to know many questions from spotting errors and you've also got to know how to solve them by using what kind of grammar rules so i'll see you next with something more helpful interesting and more practice questions for your upcoming uh, defence competitive exams related to the spotting of errors topic of english till then stay tuned with us and always stay positive and motivated jai hind एन डी ए सी डी एस एफ कैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एस एस बी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं